हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेम फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम एक ब्यूटीफुल सा बोट नेक तैयार करेंगे जो बिल्कुल सिंपल होगा और उसको हम डोरी के साथ तैयार करेंगे। तो ये मैंने पेस्टिंग वाला पेपर लिया है, तो इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बताती हूँ। ये हम बोट नेक तैयार करेंगे इससे। ये मैंने 6 इंच चौड़ा लिया है और 6 इंच ही लंबा लिया है, तो इसको हम ब्रॉड रखेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हम इस तरह इसको लंबा रखेंगे और 4 इंच इसको इसकी नेक की लंबाई रखेंगे 4 इंच। और अब इसका एक बॉक्स तैयार कर लेंगे हम। यहाँ से भी 4.5 इंच पे करेंगे, जैसे हम सिंपल बोट नेक तैयार करते हैं उस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा सीधा मिला देंगे हम। और ये हमारा बोट नेक शेप तैयार हो गया है। ये देखिए, और यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे इसकी चौड़ाई। यहाँ से भी पूरा 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे हम। और अब इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, सिंपल तरीके से हमने इसको पेस्ट कर लिया है और इसको साइडों में से कच्चा भी कर लिया है और बीच में सेंटर पॉइंट बना लिया है। जैसे हम नॉर्मल गले में बनाते हैं, गोल गले में भी बनाते हैं और बोट नेक में भी इसी तरह तैयार करते हैं। और अब इसमें हम, ये देखिए, हमने पतली सी डोरी निकाली है और डोरी मैंने पहले आपको सिखाया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर से हम यहाँ से इसकी बिल्कुल बराबर बराबर से सिलाई लगाएंगे। वैसे यहाँ से इसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, बट इसमें थोड़ा सा हम सिलाई लगा देंगे तो अच्छे से हमारा बीच का निशान बन जाएगा। तो ये देखिए, हमने एक सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हम अपनी डोरी लगाएंगे और डोरी हम रखेंगे 2.5 इंच की। ये देखिए, 2.5 इंच की पूरे में डोरी कट कर लेंगे। इस तरह से हम पूरी 2.5 इंच की सारी की सारी इस तरह से डोरी निकाल लेंगे हम। इतने इतने हम सारे पीस कर लेंगे। ये देखिए, सारी डोरी को हमने 2.5 इंच की सारी कट कर ली हैं और अब इनको हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से लेंगे, इस तरह से लगाएंगे और दूसरी इसके अंदर से लगाएंगे हम इस तरह से। दूसरा जो पार्ट होगा बिल्कुल इसका सेंटर होगा। ये देखिए, ये चीज़ आप देखें, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। अब मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कुछ तो मैंने ये इस तरह से डोरी लगा ली हैं और अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे लगाई हैं। देखिए, एक डोरी लगाएंगे और इसके बीच में जो इसका सेंटर होगा, यहाँ से हमारा दूसरी डोरी रखेंगे। ये जो हमारी डोरी होगी इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, इसका बीच जो आएगा दूसरी डोरी का, उससे हम इस तरह से मिलाते जाएंगे। ये देखिए, और अब जो इसका बीच होगा, जो इसका सेंटर होगा, ये देखिए इस तरह से, ये जो डोरी होगी हमारी, ये देखिए इस तरह से, और इस डोरी का जो सेंटर होगा, इस डोरी जो हम दूसरी डोरी लगाएंगे, ये देखिए इसके ऊपर से लगाएं। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा डीपली दिखा देती हूँ कैसे लगाई है। ये देखिए, इसके जो सिरा है पीछे वाली का, इसके ऊपर हम इसके सेंटर मिला देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आप देखते जाइए, ये आपको बिल्कुल इजी समझ आ जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सुंदर सा एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए,
इस तरह से, जो इसका सेंटर बनेगा इसके हुक पर हम दूसरी डोरी तैयार करेंगे और इसको हम थोड़ा सा आगे रखेंगे ताकि हमारी जो दूसरी डोरी आएगी उसके ऊपर इसका सेंटर बनाएंगे हम। इसको इस तरह से रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब जो ये जो हमारा इसका सिरा आया है इसके ऊपर हम अपना सेंटर बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से हमें अपना सेंटर तैयार करते जाना है और जो हमारी सिलाई हमने लगाई थी इसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए जो अब ये जो सिरा बना है हमारा इसका, इसके ऊपर से हम दूसरी लेंगे यहाँ से और इसको हम थोड़ा सा आगे लगा देंगे। ये देखिए ये इस तरह से आगे जाता जाएगा और इसका सेंटर बनता जाएगा ऐसे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जाल सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए और अब इसको इस तरह से ही यहाँ से बिल्कुल हमें जो सिलाई है इसके ऊपर से लगानी है और अब इसको इस तरह से रखेंगे और ये हमारा आगे चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और जो दूसरी आएगी वो इसके ऊपर से आएगी हमारे। ये देखिए पूरे नेक में हमने डोरी अटैच कर दी है इस तरह से। ये देखिए आपको समझ आ गया होगा, ये देखिए इस तरह से हमारे ये ऊपर नीचे से जो हमारा एक सिरा है इसके ऊपर दूसरा सिरा लगाया हमने इस तरह से। ये देखिए ध्यान से देखिए इस तरह से। और अब इसको हम अपने कुर्ती के अंदर अटैच कर लेंगे। दोनों का हमने सेंटर पॉइंट बना लिया है और कुर्ती का जो हमारा सीधा पार्ट है वो लेंगे हम और इसको हम रॉन्ग साइड रखेंगे और बीच में से एक सिलाई दे देंगे। और अब इसके यहाँ से बिल्कुल बराबर बराबर से हम सिलाई देंगे और ये देखिए उसके बाद ये हमारे जो हमने डोरी लगाई है ये इस तरह से निकल आएंगी और बिल्कुल जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से लगानी है इस तरह से। और यहाँ हमारी पक्की सिलाई होगी, ये कच्ची नहीं होगी। और अब इसके सिलाई लगाने के बाद हम इसमें चेक कर लेंगे कि हमारी डोरी बाहर तो नहीं निकली हुई, नहीं तो हमें दूसरी बार सिलाई भी लगानी पड़ सकती है। तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्टली लगी हुई है और अब हम अपने यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए नेक को कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी डोरी पलटने के बाद, नेक को पलटने के बाद ये कितने फिनिशिंग के साथ और कितना सुंदर नज़र आ रहा है। ये आप टॉप में भी कैरी कर सकते हैं या फिर कोई गाउन में भी कैरी कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर से हम यहाँ से एक सिलाई और दे देंगे और यहाँ से बाद में हम हैंड स्टिच करेंगे। तो यहाँ से एक पक्की सिलाई दे देते हैं।
तो ये देखिए हमने इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा दी है और यहाँ से इसके किनारे पे हमने पक्की सिलाई लगा दी है। और अब इसका मैं कुर्ती का पूरा फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ और नेक हमारा कितना ब्यूटीफुल से रेडी हुआ है। और अब इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखा दूँगी। ये देखिए ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।